नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, यूरोप से भारत के लिए एक मेगा खबर आई है और इस खबर को लेकर बहुत ही डिवाइडिंग ओपिनियंस है। आधे लोगों का यह मानना है कि यह खबर बहुत ही अच्छी है क्योंकि भारत को इसकी जरूरत है, भारतीय सेना इससे मजबूत होगी और दो मोर्चों की लड़ाई में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आधे लोगों का मानना यह है कि यह खबर बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। इस वीडियो में मैं आपको यह खबर तो बताऊंगा ही और साथ में जो दो ओपिनियंस दिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और बाद में अपनी पर्सनल राय जो है वो बताऊंगा कि मेरा इस पर क्या मानना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से दो दिन पहले तुर्की की मीडिया के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई कि ग्रीस अपनी सेना में कुछ ऐसे मिराज 2000 लड़ाकू विमान है जिन्हें रिटायर करने जा रहा है और बताया जा रहा है इन रिटायर होने वाले पुराने लड़ाकू विमानों की संख्या 18 है और ग्रीस ये चाहता है कि भारत उसे ये लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी सेना में शामिल कर ले। और ग्रीस का मानना है कि इससे भारत की सेना तो मजबूत होगी ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण ऑफर देने का ये है कि भारत और ग्रीस के बीच में जो रिलेशन है वो अटूट हो जाएंगे, क्योंकि जो दो देशों के बीच में डिफेंस डील तभी होती है जब दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज हो, यानी कि संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तभी दो देश हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। ऐसे में ग्रीस भारत के साथ ये डील करना चाहता है और ऑब्वियसली इससे ग्रीस को कुछ पैसा भी मिल जाएगा क्योंकि वो लोग अपनी वायुसेना से इन मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को हटाकर नए अमेरिका के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं। उसकी कीमत काफी ज्यादा है, ऐसे में वो यहाँ से पैसा जुटाना चाहते हैं और सवाल उठता है कि क्या भारत को यह डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, आधे लोगों का इस पर मानना है कि भारत को बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि भारतीय वायुसेना में इस वक्त 12 से 14 विमानों की कमी है और आपको बता दूं कि इस एक स्क्वाड्रॉन में करीबन 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। ऐसे में अगर भारत यह लड़ाकू विमान ग्रीस से खरीद लेता है तो हमें एक स्क्वाड्रॉन पूरी लड़ाकू विमानों की मिलेगी और थोड़े से अपग्रेडेशन करने के बाद कुछ सालों तक हम इनसे काम चला सकते हैं। वहीं इन लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करने में, इनकी मेंटेनेंस करने में भी भारत को परेशानी नहीं होगी क्योंकि भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी ये बड़ी संख्या में 2000 लड़ाकू विमान मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। तो यह तो हो गया इसके फेवर में। इसके अगेंस्ट तर्क ये है कि हमें ये लड़ाकू विमान नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स को लेकर इशू हो सकता है। इसके अलावा ये जो मिराज 2000 है ये भारतीय लड़ाकू विमानों से थोड़े अलग हैं क्योंकि जो भारतीय मिराज 2000 हैं वो भारत के हिसाब से थोड़े मॉडिफाइड किए गए हैं, उनमें भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो ग्रीस के हैं ये उनके क्लाइमेट के हिसाब से हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हैं, उनमें बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर भारत इन्हें खरीदता है तो इसमें भारत को कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं जिससे कि ये प्रोसेस खर्चीला हो जाएगा। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है तो ये मिराज 2000 लड़ाकू विमान लेकिन है तो ये पुराने, ऐसे में अगर भारत ये ले भी लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल ही ये चलेंगे, हद से हद 6-7 साल, इससे ज़्यादा ये नहीं चलने वाले। यानी कि भारत जो पैसा खर्च करेगा इन्हें खरीदने में वो 5-6 सालों के लिए होंगे, उसके बाद ये वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे में आधे लोगों का मानना है कि भारत को इस डील से दूर रहना चाहिए। वहीं मेरा इस पर क्या कहना है, तो देखिए मेरा मानना यह है कि ना तो बात सिर्फ पैसे की है और ना ही पुराने की, बात इज्जत की है क्योंकि एक बार मानकर चलिए कि ग्रीस हमें इन्हें फ्री में दे भी देता है बिना कुछ लिए भी, तो दुनिया में हमारा क्या संदेश जाएगा कि भारतीय वायुसेना इतने बड़े क्राइसिस में है कि पुराने लड़ाकू विमान खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है और इनकी वायुसेना तो इतने कमज़ोर हो गई है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में जो हमने अपनी प्रतिष्ठा कायम की थी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना के तौर पर, उस पर एक दाग लग सकता है। ऐसे में भारत को इस वक्त यह डील एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कम से कम इन 18 लड़ाकू विमानों के बदले इतने पैसे तो ग्रीस ले लेगा जितने में आप 4-5 रफेल आराम से खरीद लेंगे और नए रफेल इन 18 लड़ाकू विमानों से कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे और आने वाले कई दशकों तक भारतीय सेनाओं की सेवा करेंगे। हालांकि ये मेरा मानना है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं।